हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग AI वॉइस जनरेट कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक बहुत ही बेहतरीन AI टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ समेत सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। तो सिंपली इस तरीके से आप AI वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा कैसे आप इस तरीके से वीडियो जनरेट कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप लोग कोई भी टेक्स्ट को AI वॉइस में जनरेट कर सकते हो, मतलब AI वॉइस मतलब वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, जो टूल्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा दिखाऊंगा, तो सिंपली उस AI टूल्स के मदद से आप AI वॉइस जनरेट कर सकते हो और आपको लगेगा नहीं ये एक AI जनरेट वॉइस है। तो सबसे पहले सिंपली मैं उस वेबसाइट को मैं ओपन कर लूँगा, तो देख सकते हो मैं इस टूल्स को ओपन कर लिया है। इस टूल्स का नाम है 11 Labs। तो इस 11 Labs के मदद से आप कैसे AI वॉइस जनरेट कर पाओगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो सिंपली एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार सा है। इस एप्लीकेशन का या फिर वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर अकाउंट बना लिया है, लॉगिन कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे तो सिंपली आपको यहाँ पर 10,000 वर्ड सेंटेंस यहाँ पर आपको फ्री में वॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 बार में क्लिक करूँगा। 3 बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉइस लैब्स, स्पीच साइंथिस एंड वॉइस लाइब्रेरी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो सिंपली यहाँ पर वॉइस लाइब्रेरी में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को किस तरीके से वॉइस चाहिए तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक वॉइस को यहाँ पर मतलब प्ले करके मैं सुनाऊँगा। We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. आपको जो भी वॉइस अच्छा लगा है तो सिंपली उस वॉइस को एड टू वॉइस लम में क्लिक करके आप वॉइस लम में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका वॉइस वॉइस लम में ऐड हो जाएगा। तो सिंपली जिस वॉइस को आपने ऐड किया है उसको यूज करना चाहते हो तो सिंपली आप यूज में क्लिक करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उस वॉइस से ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर मैं पहले से कॉपी करके रखा था, तो सिंपली इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे जनरेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जनरेट में क्लिक कर दूंगा तो मेरा वॉइस रेडी हो जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पर वॉइस सेटिंग्स भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, तो सिंपली और मैं कितना मतलब टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा, यहाँ पर देख सकते हो 1260 मतलब जो है कैरेक्टर और मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर 258 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर जनरेट में क्लिक करूँगा तो मेरा वॉइस जनरेट हो जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों से मिले भावुक पीएम मोदी, मैं आपको सलाम करता हूं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और ग्रीस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सीधे बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। तो दोस्तों, आपने सुन लिया है कैसे यहाँ पर वॉइस जनरेट हो गया है। ठीक है, तो सिंपली कुछ इस प्रकार से आप जनरेट में क्लिक कर दिया तो मेरा वॉइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर डाउनलोड का एक आइकॉन यहाँ पर दिया गया है, डाउनलोड का आइकॉन। तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड आइकॉन में मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड आइकॉन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर जो है इस वॉइस मेरा जो है फाइल में डाउनलोड हो गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इस टूल से, इस वेबसाइट से, इस एप्लीकेशन से आप टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और एक फुल AI वीडियो जनरेट कैसे किया जाता है तो सिंपली उसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।